सत्संग में जाने से, सत्संगति करने से जो हमारे शरीर के अंदर जितने भी प्रकार के विकार हैं, दोष हैं, उनका नाश होता है और जो उदित होता है वह जो हमारा विवेक है, जो विवेक जो उदित होता है वो सत्संग करने से ही विवेक की वृद्धि होती है। कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास, गाइये राम गुणगन सो भव तरहि बिनहि प्रयास। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल हमें तप से, जप से, योग से प्राप्त नहीं होता है वह फल हमें कलयुग में केवल भगवान का सत्संग करने से, भगवान का कीर्तन करने से, भगवान का सुमिरन करने से हमें वह सारे फल हमें प्राप्त होते हैं। तो यह सुखद अवसर जो हमें प्राप्त हुआ है तो वास्तव में हम और आप बड़े ही भाग्यशाली हैं और हमारे आपके जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित हुए हैं तब जाकर के हमें ऐसा सुलभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए इस सुलभ अवसर का हम लाभ उठाएं और भगवान का ध्यान सुमिरन करें। और क्या कहना है, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सभी भक्त जनों को इस भजन को गुनगुनाना है और बड़े भक्ति भाव से कहना है क्या, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर सत्संग करो 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 सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो यह अवसर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो, यह भक्त नहीं हिल डोलने का, सत्संग करो सत्संग करो, यह भक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। बोलिए शिव शंकर भगवान की। और क्या कहना है,
चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, अब यहाँ पास धन संपत्ति लुट जाए का मतलब ये नहीं कि सारा लुटा के खुद बैठ जाए महाराज। दशम अंतरे दीयता कहा गया है कि हम अपने जीवन में जो भी धन अर्जित करते हैं उसका दसवां अंश का हमें दान करना चाहिए। अब दान भी ऐसे शख्स को करना चाहिए जो वास्तव में उस योग्य है। तो यहां पास धन संपत्ति लुटाने का अर्थ हमें उचित ही लेना है। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, बात हमारी भा रही नहीं भा रही है, आपको उचित लग रहा है अनुचित लग रहा है, लेकिन हमारा केवल एक ही उपदेश है क्या भाई, नहीं बात हमारी हो, भाई नहीं बात हमारी हो, आपको फिर भी क्या करना है, सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो, हे सत्संग करो 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 सत्संग, अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर।
भक्तजन मीठे मीठी तालियों के साथ यह सुखद अवसर का लाभ लेंगे। जय हो। चाहे नित नैया आफत आए, चाहे नित नैया आफत आए, सत्संग करो सत्संग करो सत्संग नश्यति वर्धते वधिरता वक्त्रं चलालायते वाक्यं नो श्रूयते बांधवजनाः भार्या न शुश्रूषते हा कष्टं पुरुषस्य जीर्ण वयसः पुत्रेऽपि मित्रायते। बार बार अवगत कराया जा रहा, क्योंकि जो हमारा यह शरीर है, हमें जब समय मिले, जिस देश में मिले, जिस वेश में मिले, हमें जब भी समय मिले हमें भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि जो ये हमारा शरीर है, एक समय आएगा कि संकुचित हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता, हमारी जो गति है, हमारी जो चलने की गति है, वह गति भी हमारी परिवर्तित हो जाएगी। गतिर्विगलिता भ्रष्टा चतंतावली, और जो हमारे दांत हैं, जिनसे प्रत्येक एक वर्ण को स्पष्ट रूप से उच्चारित किया जाता है, उसका सबसे बड़ा जो श्रेय है वो हमारे दंत है। हमारे जो दंत हैं, प्रत्येक एक वर्ण को स्पष्ट रूप से उच्चारित करने का सबसे बड़ा जो कारण है वो दंत में है। तो एक समय आएगा कि दंत भी भ्रष्टाचरंतावली, दंत भी नष्ट हो जाएंगे। दृष्टिर्नश्यति, जो हम देखते हैं, जिन आंखों से देखते हैं,
अगर हम भगवान का ध्यान नहीं करेंगे, भगवान के प्रांगण पर नहीं जाएंगे, धाम पर नहीं जाएंगे, कल करेंगे, जब हो जाएगा तब करेंगे, तो ऐसे करते करते जो जिन आंखों से आज हम देख पा रहे हैं, एक समय आएगा कि आपको दिखाई भी नहीं देगा। मुख से आप राम बोलोगे तो मुख से लाल निकलेगा। वाक्यम नो श्रूयते बांधव जना, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, एक समय ऐसा भी आएगा। वाक्यम नो श्रूयते बांधव जना, भार्या न शुश्रूषते, बार बार किसी को परेशान करेंगे तो चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो, वो भी गुस्सा करेगी। जब देखो तब चाय बनाइए, जब देखो तब पानी लाइए, जब देखो तब ऐसा करिए, जब देखो तब वैसा करिए। हाँ कष्टम पुरुषस्य जीर्ण वयसः पुत्रेपि मित्रायते, एक समय आएगा कि पुत्र भी आपका मित्रवत आपसे व्यवहार करने लगेगा। तो सारे मन को, सारे इन विपरीत परिस्थितियों को एक किनारे करते हुए अपने मन को एकाग्रचित करके क्या कहना है, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। क्या करना है, तो हमने तो इतनी बार आपको रिपीट कराया कि अब आपको ये ज्ञात हो चुका है कि आपको करना क्या है। सत्संग करो, 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 यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, 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 यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। आइए प्यारे श्रोताओं बंधुओं, हम रुद्र संहिता पर प्रवेश करते हैं। रुद्र संहिता में हमें शिव के दो स्वरूप के बारे में जानने को मिलेगा।